ऑटो एक्सपो 2018 ग्रेटर नोएडा में बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरू हो चुका है। ज़बरदस्त गाड़ियां आई हुई हैं। अगर आप गाड़ियों के शौकीन हैं तो ग्रेटर नोएडा तुरंत ही चले आइए। एक मिनी कन्वर्टेबल बहुत ही शानदार गाड़ी आइए, उसके फीचर्स के बारे में हम आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ। गाड़ी का डोर क्लोज हो चुका है, आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी का जो छत है वो इस समय ओपन है। अमूमन दिल्ली की बात करें तो अमूमन क्या होता है, काफ़ी पॉल्यूशन है, तो आप चाहें इसमें ऑप्शन भी है कि चाहें तो आप छत को जो है वो आप बंद कर सकते हैं। अगर हम इस तरीके से गाड़ी की बात करें तो अमूमन जो गाड़ियों में स्पीड होती है वो कहीं ना कहीं 200-220 की होती है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो थोड़ा सा आएँ और इस गाड़ी की स्पीड के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को दिखाने की कोशिश करें कि गाड़ी की इसमें स्पीड देखिए 260 की स्पीड है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक से दो मिनट में, दो से तीन मिनट में ये गाड़ी किस रफ्तार से चलेगी। सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, वॉल्यूम है, ब्लूटूथ है, कंट्रोलर है, यहाँ पे हर चीज़ आप स्टीयरिंग से ही कंट्रोल कर सकते हैं। अंदर जो फीचर्स हैं वो नॉर्मली अमूमन गाड़ियों में इतनी रेंज में नहीं आते। लगभग 36 लाख की ये गाड़ी है कि किस तरीके से ये रूफ़ बंद होती है, अब आप देखिएगा कि जैसे ही प्रेस किया, उन्होंने बटन प्रेस कर दिया है, इसके जो मिरर्स हैं वो लॉक हो चुके हैं। अब आप देखिए किस तरीके से बेहतरीन तरीके से आ चुकी है। ये देखिए रूफ बंद हो गई है, अब आप बिल्कुल गाड़ी लॉक हो चुकी है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी का जो ये फ्लोर है, गाड़ी की ये जो छत है, माफ़ कीजिएगा, गाड़ी की जो छत है वो बंद हो चुकी है। अब आप बिल्कुल सेफ़ हैं। अब थोड़ा सा मैं बाहर निकलूँगा और देखता हूँ कि किस तरीके से, आप देखिए कितना बेहतरीन इवेंट में फीचर इस गाड़ी में है। जब आप चाहें तो इसको ओपन करके चला सकते हैं। आप अब किसी के साथ हैं, थोड़ा सा अगर बाहर का नज़ारा लेना है, प्रकृति की हवा का मज़ा लेना है तो आप इसको खोल सकते हैं और जब आप चाहें तो फिर इसको बंद कर सकते हैं। अगर गाड़ी को शौकीन है तो तुरंत ही ग्रेटर नोएडा चले आइए, बिना कुछ सोचे समझे आ जाइए और यहाँ पर गाड़ियों का नज़ारा देखिए आके। कैमरा पर्सन अशोक के साथ दिल्ली से हृदेश यादव, न्यूज़ पॉइंट।